कांग्रेसी षड्यंत्र, यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, टोटल पुरुषों ने, किसी भी महिला ने नहीं, सिर्फ पुरुषों ने मुझे इतना प्रताड़ित किया है कि शायद स्वतंत्रता नहीं, स्वतंत्र भारत में नहीं, स्वतंत्रता के पहले परतंत्र भारत में भी किसी स्त्री को इतना प्रताड़ित नहीं किया गया होगा। भगवा आतंकवाद नहीं होता, ये तो सिद्ध है। भगवा आतंकवाद की पूरी स्क्रिप्ट देख लीजिए आप। उन्होंने भगवा आतंकवाद हमें लेकर के सिद्ध करना चाहा, हमें इतना भयानक आतंकवादी सिद्ध करना चाहा, तो उसकी पूरी एक कहानी इन्होंने बना के प्रस्तुत की थी कांग्रेस सरकार ने। जो विधर्मी होते हैं उन्हें, उनके लिए तो ये भगवा आतंकवादी ही होगा, क्योंकि इससे तो वो डरते हैं और उन्हें डरना भी चाहिए। 9 वर्ष का अन्याय, एटीएस ने मुझे गैर कानूनी तरीके से रखकर इतना प्रताड़ित किया था कि मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई थी और मैं बेहोश हो गई थी और 5 दिन तक मैं वेंटिलेटर पर रही। मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूँ। ये तो निश्चित था कि कांग्रेस का षड्यंत्र था, और आपने आतंकवादी भी कह दिया। मैं अपराधियों को कभी क्षमा नहीं करूंगी। पूर्ण तरह से उन्होंने मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे तोड़ दिया बिल्कुल, लेकिन मैं सन्यासी हूँ इसलिए आत्मिक तौर पे मैं कभी नहीं टूटी। षड्यंत्र किए हुए किसी भी षड्यंत्र में 100% निर्दोष थी, हूँ और रहूँगी। एक बार जोर से सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। मुझे स्वतंत्र श्वास लेने का अवसर दिया तो मैं अब स्वतंत्र हूँ कारागृह के बंधन से। नमस्कार, शाम के 7 बज रहे हैं, मैं हूँ आपके साथ मीमांसा मलिक। आज हम 2008 के मालेगांव ब्लास्ट केस में जमानत पर रिहा हुई साध्वी प्रज्ञा के आरोपों पर चर्चा कर रहे हैं। हम जो रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं वो पूरी तरह विश्वसनीय है। साध्वी के आरोपों पर हम जी न्यूज के रिपोर्टर और विश्वसनीय एजेंसी के जरिए बात कर रहे हैं। जी न्यूज के रिपोर्टर मौके पर मौजूद रहे, इसलिए इस खबर की तकनीकी विश्वसनीयता पर आप भरोसा कर सकते हैं, और इस खबर पर एक्सपर्ट की राय भी ली गई है। तो आज आप सुन रहे हैं साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को। जी हां, साध्वी प्रज्ञा ठाकुर वो नाम जिसकी गिरफ्तारी के बाद देश की सियासत में भगवा आतंकवाद का नाम सुनाई दिया। वही साध्वी प्रज्ञा 8 साल से ज्यादा समय तक जेल में रहने के बाद रिहा हो गई है। वो आज मीडिया के सामने आई तो सबसे पहले यही कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द कांग्रेस की यूपीए सरकार की देन है और इसी के नाम पर उनके साथ साजिश की सियासत हुई। बार जोर से सभी बोलेंगे, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। षड्यंत्र किए हुए किसी भी षड्यंत्र में 100% निर्दोष थी, हूँ और रहूंगी। मालेगांव ब्लास्ट मामले में जमानत पर जेल से बाहर आते ही साध्वी प्रज्ञा ने सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। साध्वी प्रज्ञा ने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला। साध्वी ने कहा कि कांग्रेस ने उनके खिलाफ बहुत बड़ी साजिश रची। कांग्रेसी षड्यंत्र, यूपीए सरकार का, कांग्रेस सरकार का जो 2008 में एक बहुत बड़ा षड्यंत्र था, उस षड्यंत्र रूपी काले सागर से संघर्ष करते हुए एक बहुत बड़ा अन्याय का इतिहास रचकर मैं आज कारागृह के बंधन से अर्ध मुक्त हुई हूँ। साध्वी प्रज्ञा ने मुंबई एटीएस पर उन्हें टॉर्चर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि एटीएस ने उन्हें 13 दिन तक
गैर कानूनी हिरासत में रखा। एटीएस ने मुझे गैर कानूनी तरीके से रखकर इतना प्रताड़ित किया था कि मेरे फेफड़े की झिल्ली फट गई थी और मैं बेहोश हो गई थी और 5 दिन तक मैं वेंटिलेटर पर रही। मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी साध्वी प्रज्ञा ने कहा कि भगवा आतंकवाद शब्द कांग्रेस की देन है। भगवा आतंकवाद की पूरी स्क्रिप्ट देख लीजिए आप। उन्होंने भगवा आतंकवाद हमें लेकर के सिद्ध करना चाहा, हमें इतना भयानक आतंकवादी सिद्ध करना चाहा, तो उसकी पूरी एक कहानी इन्होंने बना के प्रस्तुत की थी कांग्रेस सरकार ने। भगवा आतंकवाद नहीं होता, ये तो सिद्ध है। मित्रों आज एक बात कहनी है। और किसी को अगर किसी कोर्ट ने सजा दे दी तो वो ईश्वर नहीं है, एक बात का ध्यान रखना। सजा जो है लोअर कोर्ट ने दी है और ये आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सजा होना अपराधी का परिचायक नहीं है। साध्वी ने कहा कि उनके साथ 9 साल तक अन्याय हुआ। साध्वी की रीढ़ की हड्डी में दिक्कत है, इसके अलावा उनके ब्रेस्ट कैंसर का इलाज भी चल रहा है। दोनों तरह से उन्होंने मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर पे तोड़ दिया बिल्कुल। लेकिन मैं सन्यासी हूँ इसलिए आत्मिक तौर पे मैं कभी नहीं टूटी, क्योंकि आज भी अगर मैं आपके समक्ष हूँ तो शारीरिक रूप से जरूर टूटी फूटी हूँ, लेकिन आत्मिक तौर पे जहाँ मेरा ईश्वर मेरा ठाकुर विराजमान रहता है उसको कहीं कोई आंच नहीं आने देते। भारत माता की जय। साध्वी ने कहा कि मैं सन्यासी हूँ इसीलिए सब कुछ सहन कर पाई। उन्होंने कहा कि वो बेगुनाह साबित होंगी, केस की आगे की तफ्तीश में क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन साध्वी के तेवर ये बता गए कि 9 साल जेल में रहने के बावजूद भी वो कमजोर तो नहीं पड़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। दरअसल मालेगांव ब्लास्ट सिर्फ बम धमाका नहीं बल्कि आतंकवाद को लेकर सियासी दंगल का मुद्दा भी है। कांग्रेस बीजेपी और लेफ्ट के बीच मालेगांव धमाकों को लेकर खूब राजनीति होती है, खूब सियासत होती रही है, मगर यह मुद्दा काफी संवेदनशील है क्योंकि इसमें देश की 2 बड़ी जांच एजेंसियां एटीएस और एनआईए ने जांच की है। आइए अब आपको मालेगांव ब्लास्ट का पूरा बैकग्राउंड दिखा देते हैं, इस रिपोर्ट से समझिए पूरा मामला। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तेज तर्रार नेता और मालेगांव ब्लास्ट की आरोपी साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने जेल में 8 साल से ज्यादा का वक्त बिताया है। उनके खिलाफ एटीएस से लेकर एनआईए तक ने जांच की और स्पेशल मकोका कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक मामला पहुंचा। इस केस को लेकर यूपीए सरकार ने भगवा आतंकवाद की बात कही थी, मगर ये मामला न केवल हैरान करने वाला था बल्कि कई सवाल भी उठाता है, क्योंकि इस केस में अब तक 9 आरोपी बरी हो चुके हैं। सबूतों के मामले में कई बार कोर्ट भी सवाल उठा चुका है। आइए आपको तारीखों में दिखाते हैं मालेगांव ब्लास्ट का पूरा मामला। 29 सितंबर 2008 को महाराष्ट्र के मालेगांव में बम ब्लास्ट हुआ। मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई और करीब 100 लोग घायल हुए। महाराष्ट्र एटीएस ने मालेगांव धमाकों की जांच में एक बाइक बरामद की। बम प्लांट करने वाली बाइक साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की निकली। 23 अक्टूबर 2008 को साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की गिरफ्तारी हुई। 20 जनवरी 2009 को प्रज्ञा समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल हुई। मुंबई की स्पेशल मकोका कोर्ट में मालेगांव धमाके की सुनवाई शुरू हुई। प्रज्ञा समेत 12 लोगों को मकोका कोर्ट ने जेल भेजा, 2 आरोपी फरार। साध्वी प्रज्ञा समेत जिन लोगों को जेल भेजा गया था उनमें से ज्यादातर को जमानत मिल गई, मगर साध्वी को सलाखों से मुक्ति नहीं मिल रही थी। मुझे स्वतंत्र श्वास लेने का अवसर दिया तो मैं अब स्वतंत्र हूँ कारागृह के बंधन से। 2011 में मालेगांव धमाकों की जांच में एक बड़ा बदलाव हुआ। एटीएस के बाद जांच एनआईए को दे दी गई। अप्रैल 2011 में एनआईए ने मालेगांव ब्लास्ट की जांच शुरू की। अगस्त 2013 में एनआईए ने आरोपियों को क्लीन चिट दी। 15 अप्रैल 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने आरोपों पर कम सबूत होने की बात कही। नवंबर 2015 को स्पेशल कोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा की जमानत याचिका खारिज कर दी। एनआईए की जांच के आधार पर मकोका कोर्ट ने 9 आरोपियों को बरी कर दिया।
अक्टूबर 2016 को बॉम्बे हाईकोर्ट ने साध्वी प्रज्ञा की जमानत पर सुनवाई की। 25 अप्रैल 2017 को प्रज्ञा को 8 साल 6 महीने बाद बॉम्बे हाईकोर्ट से बेल मिली। मुझे इतना पता है कि कोई भी एजेंसी सीधी तो नहीं होती है। एजेंसी अपना काम करती है, उसको जो इन्वेस्टिगेशन करना होता है वो करती है और जो परिणाम लाते हैं वो आज आपके सामने है। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का दावा है कि उनके खिलाफ कांग्रेस सरकार ने साजिश की थी और एक दिन वो सभी आरोपों से जरूर बरी हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो सियासी फायदे के लिए भगवा आतंकवाद शब्द का आविष्कार हुआ, ये दावा किया है साध्वी प्रज्ञा ने।